एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी जैसा आपको पता है, अगर आपने मेरा प्रीवियस जो व्लॉग मैंने डाला है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अभी अपने मायके आ गई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने जो मेरे वार्डरोब का जो सामान है ना, उसको मैं सेट कर रही थी। और वार्डरोब कुछ ऐसा है जो ट्रैवलिंग में काफ़ी ईजी हो जाता है, तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ कि मेरे पास कितने ब्लाउजेज़ हैं। लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे हैं। और इनमें से आई थिंक कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर किया है मैंने, और फिर से कुछ और शेयर करूँगी, लाइक मेरे कुछ जो ब्लाउज़ डिज़ाइंस हैं उनको। सो स्टे ट्यून्ड। और चलो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास कितने सारे ब्लाउजेज़ हैं। सो आर यू रेडी देखने के लिए कितने सारे ब्लाउजेज़ हैं? तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ है, यहाँ पे हस्बैंड उनको नीचे रख रहे हैं, और आप देख सकते हो कितने सारे ब्लाउजेस, क्रॉप टॉप्स हैं मेरे, भरे पड़े हैं यहाँ पे। और जब पहनने के लिए कुछ ढूंढो ना तो कुछ भी नहीं होता है मेरे पास। तो आप लिटरली देख सकते हो कितने सारे हैं, आपको हर कलर हर डिज़ाइन का ब्लाउज़ क्रॉप टॉप मिल जाएगा इधर। मतलब लिटरली अगर मैं चाहूँ ना तो सेल लगा सकती हूँ अपने घर पर। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको इसमें रखने वाली हूँ, जनरली मैं इसी में ही रखती हूँ क्योंकि ऑलवेज इधर से उधर जाना रहता है, तो वीआईपीस वगैरह में रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, एक जगह स्टेबल रहते नहीं हैं, तो इसलिए इसी में रखती हूँ मैं। मेरे सारे कपड़े इसी टाइप के बॉक्सेस में होते हैं, ये गाँव वगैरह में मिलते हैं, ऐसे शहर में भी मिल जाते हैं, तो इसी टाइप के बॉक्सेस में मैं रखती हूँ। काफ़ी स्टेबल एक तो होता है कि हर जगह आप कहीं भी जाना हो तो ईजिली बस बॉक्स को लो और चले जाओ, और निकालने में भी ईजी हो जाता है। वैसे थोड़ा दिक्कत होता है इनमें से निकालने में, ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे हैं। तो इनको रखने के लिए तो छोटे अलमीरे से काम चलने वाला है नहीं। तो आप देख सकते हो बहुत सारे मैंने शेयर किए हैं। ये वाला जो है ना, ये ब्लू वाला, ये इंडिया ब्रांड का है, ये फैबली का है, और भी इसमें बहुत सारे जो स्टिच करवाए हैं मैंने कुछ प्रीवियस, मतलब पहले के हैं सारे। ये सारे ऑनलाइन, ये आई थिंक ससफ्रास का, ये प्रिंटेड वाला। कुछ मेरे लहंगे के ब्लाउजेस भी है जो कि मैंने स्टिच करवाए हैं। और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये इंडिया ब्रांड की थी, नूडल स्टेप्स ब्लाउज़ है ये, मैंने शेयर किया था, बट मैंने इसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। मैं आपको किसी वीडियो में इसका ओवरऑल लुक शेयर करूँगी आपके साथ, मतलब इसका रिव्यू नहीं, डिज़ाइन शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने इसके साथ क्या किया है। जितने भी मेरे इंडिया ब्रांड के क्रॉप टॉप्स हैं ना, मैंने मैक्सिमम सबके साथ कुछ ना कुछ किया है, लाइक जो स्लीवलेस थे, क्योंकि स्लीवलेस हर जगह वेयर नहीं कर पाते हो, इसलिए तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने इंडिया ब्रांड के क्रॉप टॉप के साथ क्या किया है और उसको पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनवा लिया है। तो ठीक है, अभी बस फ़िलहाल इतना ही है अभी फ़िलहाल तो। और बाकी जो साड़ियाँ और वगैरह थी वो सारे हमने सेट कर दिए हैं। ब्लाउज सेट कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आई होप कि ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। सो या अभी चलो मैं जल्दी से इसको इसमें डाल देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसमें डालने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare.